चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान के निरंतर बहते प्रवाह में जो ध्रुव चैतन्य सत्ता एक समय के लिए भी प्रवाहित नहीं हुई, ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व, ऐसे ध्रुव चैतन्य सत्ता, यही मैं हूँ। अगणित विकल्पों के उत्पत्ति होने के काल में भी अगणित विकल्पों के तरंगों में जिस ज्ञान की स्वच्छता का एक समय के लिए भी मिलन नहीं हुआ, ऐसा सर्वांग प्रदेशों से निर्मल ज्ञान, ऐसा असंख्य प्रदेशों में व्याप्त निर्मल ज्ञान, यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा ही मैं हूँ। अनंत परमाणु परमाणु के संग भी मिलते नहीं है। प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, स्वाधीन है। परमाणु परमाणु में भी मुलाकात नहीं होती तो परमात्मा की परमाणु के साथ मुलाकात कैसे? यह चैतन्य परमात्मा ही मैं हूँ। विकल्पों को जन्म देने वाला और विकल्पों को मारने वाला एक समय का ज्ञान का परिणमन भी नहीं तो मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता विकल्पों की उत्पादक और विकल्पों की नाशक कैसे हो सकते हूँ? परमाणुओं के साथ में बंधन हुआ ही नहीं है, ऐसा जो ध्रुव चैतन्य स्वरूप जिस ज्ञान की ध्रुवता ने परमाणुओं को ग्रहण ही नहीं किया, क्योंकि जिसके सर्वांग प्रदेशों पर ज्ञान है ग्रहण करे कहाँ से? कहीं पर भी अवकाश नहीं, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य तत्व यह मैं हूँ। परमाणु भी पड़ोस में है और राग और द्वेष के विकल्प भी चैतन्य महल के बाहर है।
अनंत जन्म और अनंत मृत्यु हुई ही नहीं, तो जन्म और मृत्यु से छुटकारा किसका? इसलिए मोक्ष की भावना भी चैतन्य तत्व में नहीं, ऐसी परिपूर्णता का स्वीकार वर्तमान में ही कलयुग सतयुग हो जाता है। जिस पर्याय में ध्रुव ज्ञायक देव चैतन्य परमात्मा अनुभव में न आए, वह पर्याय स्वयं ही कलयुग है। जिस ज्ञान में ज्ञायक अनुभव में आए, जिस ज्ञान में ज्ञायक पकड़ में आए, वह पर्याय ही सतयुग है। ध्यान की इतनी गहराई, मगर ध्यान गहरा हो सकता है, ध्रुव में गहराई कहाँ? गहराई में जाने के लिए तो बाहर से भीतर जाना होता है। मैं बाहर से भीतर जाने वाला तत्व नहीं हूं, मैं सर्वांग चैतन्य प्रदेशों में व्याप्त भगवान आत्मा हूं, जहां बाहर और भीतर का विकल्प ही नहीं है, भेद ही नहीं है। यह ध्रुव चैतन्य तत्व ही मैं हूं। नए नए ज्ञान के परिणमन में भी उछलती ज्ञान की अवस्था में भी भीतर से त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक स्वरूप में से एक समय के लिए भी कुछ नया उछलता न दिखाई दे, यह ज्ञायक स्वरूप मैं हूं। अनंत सिद्ध, अनंत काल के लिए अनंत शुद्धता को उपलब्ध हुए, उन अनंत शुद्धताओं का जो आधार है, यह आधार मैं ज्ञायक देव हूं। मुझे अनंत सिद्धों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अनंत सिद्ध जिसके आश्रय से सिद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, यह त्रिकाल सिद्ध ज्ञायक देव मैं हूं। सिद्ध अवस्था का जन्म है, सिद्ध अवस्था की मृत्यु है, और त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव अमृत है। देह के परमाणु होने पर भी मात्र ज्ञान की सत्ता की ओर दृष्टि जाए, देह के परमाणु होने पर भी सत्ता परमाणु मई नहीं है, यह त्रिकाल ध्रुव सत्ता ही मैं हूं। चार गति और 84 लाख योनियों में ऐसा कोई भव बाकी न बचा कि जहां जन्म मरण न हुआ हो, मगर वह जन्म मरण किसका? ध्रुव सत्ता का, त्रिकाल सत्ता का। त्रिकाल सत्ता का भाव तो यह है कि जिसमें कुछ होता ही नहीं है।
वह सिर्फ है का भाव उसी में ध्यान डले, है उस अस्थि में ही ध्यान ढले कि वह ध्यान मस्तीमय होता है। अस्थि के आश्रय से मस्ती की अवस्था प्रकट होती है, फिर भी अस्थि मौन है, फिर भी अस्थि निष्कलंक है, फिर भी वह अस्थि त्रिकाल अनाकूल है। यह अस्थि स्वरूप ज्ञायक देव ही मैं हूं। आकाश के समस्त प्रदेशों पर जन्म और मरण हुए, अनंत जन्म और अनंत मरण हुए, मगर जब ध्रुव पर दृष्टि गई तो वहां कुछ भी नयापन नहीं दिखता, कुछ भी पुरानापन नहीं दिखता। यह ज्ञायक देव ही मैं हूं। अनंत काल के लिए उपयोग ज्ञायक में स्थिर हो जाए, अनंत काल के लिए ध्यान स्वरूप में लीन हो जाए, तो भी जिसमें कुछ भी उछल कूद नहीं होती, ऐसा सत्ता स्वरूप ज्ञान का घनपिंड परमात्मा यह मैं हूं। यह देह बिखरता है क्योंकि देह बना है। देह के अनंत परमाणु आकाश में बैर बिखेर होकर के उड़ेंगे, मगर ध्रुव चैतन्य सत्ता बैर बिखेर होगी नहीं, क्योंकि ध्रुव चैतन्य सत्ता कभी मिलकर के बनी नहीं। ये परमाणुओं से देह बना है इसलिए बिखरता है। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी आकाश के सर्व प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी जिसकी अखंडता कायम रहती है यह अखंड ज्ञायक देव मैं हूं। एक भी परमाणु ऐसा नहीं कि जिस परमाणुओं को देह के रूप में धारण न किया हो। ऐसे कोई शरीर नहीं है जिस शरीर को इस आत्मा ने देह के रूप में धारण न किया हो। मगर जब ध्रुव पर ध्यान गया तो यह अनुभव हुआ कि उस ध्रुव ने तो किसी भी परमाणु का स्पर्श ही नहीं किया। यह भ्रांति थी, और भ्रांति से छुटकारा होते ही आनंद झरता है। प्रति समय यह ज्ञान की अनुभूति हो रही है, फिर ये जगत के प्रति राग द्वेष हो कैसे? ज्ञान 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 की अनुभूति अनेक प्रकार के ज्ञेयों में एकमात्र ज्ञान की अनुभूति हो रही है, इसलिए नयापन नहीं लगता। चांद प्रतिबिंबित तो हो या सूर्य प्रतिबिंबित तो हो, पानी का जो प्रवाह है उस प्रवाह को क्या लेना देना? पानी बह रहा है, बादल प्रतिबिंबित तो हो, पक्षी प्रतिबिंबित तो हो, पानी बह रहा है, उस पानी का रिश्ता चांद सूरज बादल पक्षियों के साथ नहीं है। पानी अपने बाहर कहीं नहीं है, अपने प्रवाह के बाहर कहीं भी नहीं है। ये जो निरंतर ज्ञान का प्रवाह बह रहा है, इस प्रवाह में जगत के पदार्थ, ये मनुष्य का शरीर, ये मनुष्य शरीर के माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, रिश्तेदार, मित्र शत्रु,
ये प्रतिबिंबित होते हैं। निरंतर बहती ज्ञान की धारा में ये संयोग और संयोगी भाव, क्रोधादि विकारी भाव, दया दान व्रत तप के भाव निर्मल ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। आकाश में काले बादल बने या फिर सफेद बादल बने, पानी की जो शीतलता है वो शीतलता का सहज रूप से सत्ता स्वरूप रहना, पाप की काली मां और पुण्य के शुभ भाव ज्ञान में सिर्फ जानने में आते हैं, ज्ञान की धारा में प्रतिबिंबित होते हैं, और फिर भी मैं बहने वाला नहीं, ज्ञान के परिणमन में बहने वाला नहीं, यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। स्वभाव बहता नहीं, वह स्थित है, वह स्थित है, वह वस्तु को छोड़कर के कहां बहने जाए, वस्तु को छोड़कर के वस्तु का स्वभाव कहां जाए। हाथ कितना भी फैल जाए मगर वो शरीर से बाहर तो निकलता नहीं, क्योंकि शरीर का अंग कितना भी फैले शरीर का अंग शरीर के साथ अभेद रहता है। यह ज्ञान सारे जगत को भी जाने मगर जगत को जानने वाला ज्ञान आत्मा से अलग नहीं होता, क्योंकि ज्ञान आत्मा का अंग है, आत्मा का स्वभाव है। पृथ्वी को देखने वाली आंख शरीर में से बाहर निकल करके पृथ्वी में मिल नहीं जाती। ज्ञान सारे जगत को जानता है मगर जागृति के ज्ञान अपने से दूर गया नहीं, मैं स्वयं ही ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, आंख से आंख का दर्शन, आंख से आंख देखने के लिए दर्पण के पास जाना पड़े। प्रत्यक्ष सद्गुरु दर्पण है, जिनके निकट जाकर ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। भले ही दर्पण के सामने जाकर के आंख से आंख दिखाई देती हो मगर दर्पण देखता नहीं है, देखने वाली तो आंख ही है, दर्पण सिर्फ है, कुछ करता नहीं है। गुरु अकर्ता है, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो तब गुरु का विकल्प भी नहीं आता। हजारों बार दर्पण में देखा मगर दर्पण का विकल्प, दर्पण का विचार कितनी बार आता है। चेहरे को देखते हैं तो चेहरा ही दिखाई देता है, दर्पण का विकल्प ही नहीं। प्रति समय यह जागृति, गुरु के संग होने वाला सत्संग भी असत्संग लगे, क्योंकि चैतन्य की सत्ता के बाहर गुरु है, वह असत है, चैतन्य की सत्ता के बाहर है, और असत की संगति धर्म नहीं। अभेद एक ज्ञायक देव में अभेद 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 अनुभूति। सदा काल यह जागृति कि ज्ञान के बहते प्रवाह को न रोकने जो चाहे, न जो बहाने जाए, सिर्फ बह रहा है। उस प्रवाह में ध्रुव की नित्यता कायम है, मैं ध्रुव ज्ञायक देव। ध्रुव में बैठना नहीं है, मैं ध्रुव हूं। पर्याय से हटकर के ध्रुव में आना नहीं है, क्षणिक में से नित्य में आना नहीं है, वरना फासला तय करना पड़ता। भोगों से हटकर के आत्मा में आना नहीं है, वरना कुछ यात्रा करनी पड़ती।
सिर्फ जागृति के भोग में गया ही नहीं, ऐसा जो शुद्धात्मा, बस ये चैतन्य यही मैं हूं, फिर किस भोग को भोगने जाए और किस भोग को त्यागने जाए। हर क्षण ये अनुभव होता है कि ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति है। मैं स्वयं से कभी दूर नहीं जाने वाला, पराये के निकट नहीं जा सकता और स्वयं से कभी दूर नहीं जा सकता, ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव यही मैं हूं। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य।